अरे जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ऑल द वे, मैरी क्रिसमस बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त, झुमरू झुमरू की तरह मस्त खड़ा हूं आपके सामने। और सुनाओ, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट थॉट ऑफ केम लाइक दिस, ऐसा कुछ प्लान था नहीं, अचानक ये कैप दिख गई मुझे, घर पे रखी हुई थी, तो आई थॉट चलो चलो ठीक है, बच्चों के साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इस तरीके से। आज कुछ गिफ्ट मिलेगा? मैंने तो गिफ्ट दे दिया सर, मैंने गिफ्ट दे दिया, मैंने गिव अवे कर लिया। वो टोपी उतार देते हैं यार, बाल खराब हो जाएंगे। मैंने गिफ्ट दे दिया और देयर वॉज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, ह्यूज रिस्पॉन्स। मतलब सी ए फाइनल के चार्ट बुक्स 3 घंटे से भी कम टाइम में स्टॉक आउट हो गया, और सी ए इंटर का लगभग 9 से 10 घंटों के अंदर अंदर स्टॉक आउट हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे, बट ठीक है। एनीवेज, जिन बच्चों को पूरा लेक्चर्स लेना है उनके लिए तो चार्ट बुक वैसे भी उनको अलग से आएगा, डोंट वरी। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू माई डियर बच्चों, और आई होप, मैं विश करता हूं कि आपका अगर फाउंडेशन का रिजल्ट अवेटेड है तो आप जल्दी से जल्दी फाउंडेशन में क्लियर कर ले। अगर आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है तो इंटर बहुत अच्छे से पढ़ाई करके इंटर क्लियर कर ले और जल्दी से जल्दी सीए बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास जो रहेगी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके साथ ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ मैं कुछ एक दो बातें और करने वाला हूं, राइट? सो चलिए बात करना शुरू करते हैं अपन, अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। अपने पॉइंट पर अपन वापस आते हैं, ठीक है? चलिए, नमस्ते नमस्ते रोहित गुप्ता। चलो कॉपी निकालिए और बिना किसी डैश डैश के स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बच्चों कॉपी आपके पास होना चाहिए, मैं अभी आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आपसे पूछता रहूंगा, राइट? आपसे पूछता जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? आप सबको जानते, आप सब जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मुझे बताइए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप मेरी बातों पर जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिए और आइए कि अपन बात क्या करने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मुझे आंसर दीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट का मुझे आंसर दीजिए। यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? मैं जानता हूं कि बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में शायद पता होगा, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा आज इस लेक्चर में कि मैं कुछ ऐसी बात बताऊं जो शायद कुछ बच्चों को पता ना हो, या आज के लेक्चर के बाद आपको ऐसा कुछ रियलाइज हो कि यार चलो 1% ही हमारा नॉलेज इंक्रीज हुआ, कहीं ना कहीं 1% भी अगर नॉलेज इंक्रीज हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है? चलिए, बच्चे बताना शुरू कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सबसे पहले सर टू ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड, टू ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है सर। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि सर टू ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है टू परचेजेस, वेरी गुड बच्चों, टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस आता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए और क्या आता है? बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी आता है,
वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। अच्छा मैं इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, मैं सब मान के चल रहा हूं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में सारे के सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, ठीक है ना। इन सारे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस शामिल होंगे, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वो सब। इतना डीप में मत जाना, हम यहां पर मेन कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले, तो डीप में मत जाना, ठीक है। टोटल परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल्स। अच्छा और क्या आता है सर? सर सभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर बाय सेल्स अकाउंट आता है। वेरी गुड बच्चों, बाय सेल्स अकाउंट आता है सर, सेल्स रिटर्न भी आता है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि हम जो यहां पर लिख रहे हैं वो नेट परचेज लिख रहे हैं, मतलब नेट ऑफ रिटर्न्स, और सेल्स भी हम लिख रहे हैं नेट ऑफ रिटर्न्स, सेल्स भी हम लिख रहे हैं नेट ऑफ रिटर्न्स, और परचेज भी हम लिख रहे हैं नेट ऑफ रिटर्न्स। तो आप रिटर्न्स मत बोलना, मैंने मान लिया कि सेल्स हमने रिटर्न्स माइनस करने के बाद लिखा है, ठीक है। और क्या आता है बेटा? वेजेस, किसी ने बोला दीपिका, दीपिका वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया बेटा। मैंने मेन हेड की बात कर ली, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे आ चुके हैं, ठीक है। मुझे बताइए और क्या आता है सर, और क्या आता है सर, और क्या आता है? सीए लोकेश बोल रहा है सर, ऑल ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी। अगर आप सीए हैं तो भाई आप प्लीज बच्चों को जवाब देने दीजिए प्लीज, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आता है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक आता है, वेरी गुड। बच्चे बोल रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक आता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक आता है, दैट्स इट। अब और कुछ बचा क्या बच्चों? और कुछ बचा क्या? जल्दी मुझे बताइए और कुछ बचा क्या? क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, जल्दी बताइए और कुछ बचा क्या? सभी बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, वेरी गुड। ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लॉस आएगा तो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। तो सभी बच्चों ने बोला कि सर ये सारी बातें आती हैं, ठीक है ना, सभी बच्चों ने ये बोला ये सारी बातें आती हैं। अच्छा बाय प्रोडक्ट इफ एनी, बेटा बाय प्रोडक्ट वगैरह जो भी अगर होगा, बाय प्रोडक्ट वगैरह जो भी होगा, पहली बात तो बाय प्रोडक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और बाय प्रोडक्ट जो होता है हम उसका स्क्रैप वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में से लेस कर देते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बाय प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, तो बाय प्रोडक्ट की हम बात अभी नहीं कर रहे। अच्छा किसी ने लिखा है लॉस ऑन इन्वेंट्री, गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड टेकन बाय प्रोपराइटर। अगर गुड्स लॉस्ट हो गए तो लॉस बाय फायर, ये जो जवाब दिया है ये दिया है पूजा परयानी ने और अमर मार्ग ने कि सर लॉस भी आता है। बाकी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने लॉस के बारे में कुछ बोला नहीं, ठीक है ना बच्चों। पूजा परयानी कंसाइनमेंट अकाउंट की बात अभी मुझसे मत करो, मैं जनरल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, हम यहां पर कोई कंसाइनमेंट की डीलिंग नहीं कर रहे ये मानते हुए। प्लीज अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए सिर्फ ट्रेडिंग पे, ऐसी ट्रेडिंग पे कि हम कभी कंसाइनमेंट पे नहीं करते, मतलब हमारा कोई कंसाइन ही नहीं है, हमारा कोई कंसाइन ही नहीं है। तो प्लीज आप उसको कंसाइनमेंट में मिक्स एंड मैच मत करिए, कंसाइनमेंट को अभी थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है ना। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में ट्रेडिंग अकाउंट का समझाने वाला हूं उसके लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ये लेने पड़ेंगे कि हमारा कोई कंसाइन ही नहीं है, हम कोई कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट नहीं खेलते, ठीक है। सैंपल फ्री ऑफ चार्ज, चलो ठीक है, सैंपल फ्री ऑफ चार्ज भी हमने मान लिया कि नेट ऑफ परचेज में आ गया, नेट ऑफ परचेज में हमने परचेज नेट ऑफ रिटर्न्स एंड सैंपल्स, चलो ये हमने कर दिया एंड सैंपल्स, ठीक है ना, मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट सैंपल्स हमने यहां पर डाल दिया, एज अ ड्रॉइंग की तरह मानते हैं तो परचेज में से लेस कर देते हैं, राइट। तो यहां पर इतनी सारी बातें आ रही हैं, दो बच्चों ने बताया, दो से तीन बच्चों ने बताया सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर भी आता है। आप मुझे ये भी बता दीजिए सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर कहां आता है। कुछ बच्चों ने मुझे जवाब दिया कि सर गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया, सर गुड्स लॉस्ट हो गए तो सर वो भी आता है। तो मैं आपसे बच्चों पूछना चाह रहा हूं कि वो कहां लिखते हैं, वो डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में? लॉस है, लॉस तो डेबिट होता है, तो कहां लिखेंगे बेसिकली, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, टेल मी बच्चों बताइए कहां लिखेंगे, जल्दी बोलिए। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बच्चे बोल रहे हैं सर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस। अब
मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। जितने क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने थे मुझे आपसे मिल गए, मुझे उनका आंसर मिल गया। जहां जहां आपने जो जो चीज बोली मैंने वो चीज रख दी, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप जानते हो कि हम क्लोजिंग स्टॉक को, क्या आप जानते हो कि हम क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करते हैं, मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या आप जानते हो कि हम क्लोजिंग स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर करते हैं? क्या आप जानते हो कि हम क्लोजिंग स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे मेजर करते हैं? इतना भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। उसमें जो सेकंड नंबर पॉइंट था मेजरमेंट, आपको याद होगा मेजरमेंट, मैंने बताया था मेजरमेंट के केस में इनिशियल मेजरमेंट, जब हम पहली बार किसी ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका मेजरमेंट करना पड़ता है, मतलब उसको मनी टर्म्स में वैल्यू करना पड़ता है। फिर बैलेंस शीट डेट पर हमें देखना पड़ता है कि वो असेट या वो लायबिलिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, फिर से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो ये कहीं ना कहीं हम एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक का। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चों कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूं, अब बीच में ना बातचीत मत करना। मुझे जो सवाल आपसे करने थे आपने मुझे जवाब दे दिया। नाउ लेट मी स्पीक प्रॉपरली, क्योंकि अभी आने वाले कुछ देर तक मैं आपके शायद कमेंट्स पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी डिस्ट्रैक्टिव क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो शायद मैं उस व्यक्ति को ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहां पर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, ठीक है ना। और ये ऐसी बात है जहां जब मैं ये बात सीए फाइनल वाले बच्चों के साथ भी डिस्कस करता हूं ना, तो वो भी मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर सच्ची बता रहे, सर रियलाइज हुआ कि हाँ ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हाँ एक्चुअली में ऐसा हो, एक्चुअली में इस तरीके से सोचा जाता है। आता सबको ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सबको पता है कि ओपनिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, परचेज कहां लिखते हैं, सेल कहां लिखते हैं, जीपी कहां लिखते हैं, लॉस कहां लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करते हैं कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे। बट रियलाइज हम क्या है, हम मैं आपके लॉजिक्स पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बस सोच पे एक बात करने वाला हूं कि कभी हमने सोचा नहीं है कि एक्चुअली किस सेंस में इसको बनाया जाता है, इसको बनाने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। सो चलिए, नो मोर क्वेश्चंस, नो मोर चैट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपरली। नाउ होता क्या है, आपने मुझे ये सारे चीजें बताई तो मैंने उसको लिख दिया, ठीक है ना। हम बात करते हैं, शुरू से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं और वो एग्जाम्पल आप मेरे साथ लिखना शुरू करिए, वो एग्जाम्पल आप मेरे साथ लिखना शुरू करिए। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी बनाया है कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ बाद में बना लीजिएगा, आप एग्जाम्पल लिखना शुरू करिए, आप एग्जाम्पल लिखना शुरू करिए। इन अवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, हमारा पहला साल चल रहा है, हमने बिजनेस नया नया शुरू किया है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। इन अवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन वी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 lakh, वी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 lakhs। इन अवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन वी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 lakh, ठीक है, वी परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5 lakhs। वी डिसाइडेड टू सेल गुड्स एट 20% प्रॉफिट Above cost, 20% profit above cost. We decided to sell goods at 20% profit above cost. At 20% profit above cost, right? Total sales during the year was rupees 4,80,000. Total sales during the year was rupees
4,80,000। आई होप सभी बच्चे मेरे साथ एग्जाम्पल नोट कर रहे होंगे, राइट? टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 4,80,000। एट द एंड ऑफ ईयर इट वॉज फाउंड। अच्छा, कोई आंसर नहीं बताएगा जब तक मैं पूछू ना, ठीक है ना? मैं जब तक नहीं पूछू तब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे, अपनी हीरोगिरी हीरोइन गिरी मत दिखाइएगा, ठीक है? नहीं तो क्रिसमस के दिन डांट पड़ जाएगी सर की। एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज फाउंड दैट वी हैव स्टॉक इन हैंड ऑफ रुपीज 80,000। वी हैव स्टॉक इन हैंड ऑफ रुपीज 80,000। वी हैव स्टॉक इन हैंड ऑफ रुपीज 80,000। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे वैल्यू बताइएगा, बट जो चीज पूछू वही बताइएगा, जो चीज नहीं पूछ रहा हूं उससे पहले अपना आंसर मत दीजिएगा। सर जीपीए देखो मेरा आ गया, सर सर मैं ही हूं बस इस दुनिया में सबसे समझदार आदमी, देखो सर मैं आ गया सर, ऐसे मत करना। सभी बच्चे मेरी नजरों में समझदार है तो इसीलिए ध्यान रखना। ये चीजें हो गई। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं, अच्छा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जीरो माना है, लिख भी देते हैं, अज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निल, अज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निल, मैंने मैंने जीरो माना है जानबूझ के, ठीक है ना? अज्यूम डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर निल। अब मुझे बताइए, जो जो पूछू वही जवाब। सर बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, टेल मी। सर बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, टेल मी। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, टेल मी ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ओके, टेक्निकल ग्लिच बीच में आ सकता है, कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे कैमरा को चेंज करना पड़ेगा बीच में, हो सकता है वीडियो ना दिखे सिर्फ 5-10 सेकंड के लिए, डोंट वरी। चलो बच्चों ने जवाब दिया ओपनिंग स्टॉक जीरो, ओपनिंग स्टॉक जीरो बच्चों ने जवाब दिया, ओपनिंग स्टॉक जीरो। बच्चों जवाब दो परचेसेस कितना होगा, बच्चों जवाब जवाब दीजिए परचेस कितना होगा, परचेस कितना होगा। ओपनिंग स्टॉक तो जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, हमारा पहला साल है, तो हमारे पास स्टॉक कहां से आएगा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक तो तब आता है जब पिछले साल हमने कुछ काम किया हो। परचेसेस आएगा 5 लाख, वेरी वेरी गुड, परचेस आएगा 5 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस को मैं ही जीरो कर देता हूं, ठीक है ना? या स्ट्रीट अच्छा यह है कि मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को यहां से हटा ही दूं, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना? परचेस आ गया 5 लाख। अब मुझे बताइए सेल्स वगैरह कितना आएगा, टेल मी बच्चों सेल्स वगैरह कितना आएगा, टेल मी बच्चों सेल्स कितना आएगा, सेल्स कितना आएगा बच्चों, सेल्स कितना आएगा 4,80,000, सेल्स कितना आएगा 4,80,000, ठीक है? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 4,80,000 आएगा सेल्स। अच्छा और बताइए अब क्या क्या आएगा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कुछ आएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक और चीजें बताइए। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मुझे बताइए और चीजें क्या क्या आएंगी, अब मुझे आप आगे की चीजें बता सकते हो खुद से जल्दी जल्दी। क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताइए कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 80,000 आएगा, वेरी गुड 80,000 आएगा। बच्चे बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 80,000 आएगा। जीपी बताओ कितना आएगा, जीपी बताओ कितना आएगा। भाई मैंने सेल्स भी लिख दिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, मैंने परचेज भी लिख दिया, टेल मी जीपी कितना आएगा,
सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? कृष्ण कुमार सर सेल्स 50,000, 5,04,000 आएगा। बेटा 5,04,000 कैसे आएगा? बेटा 5,04,000 कैसे आएगा? बेटा 5,04,000 कैसे आएगा? तुम मुझे कैलकुलेशन बताओ, मेरे को तो नहीं समझ में आया। सर जीपी कितना आएगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर जीपी आएगा 60,000। वेरी गुड, 19,200 जीपी आएगा, आशीष सिंह कह रहे हैं। अच्छा ओके, 1/6 ऑफ सेल्स। ठीक है जीपी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60,000 आएगा, ठीक है ना जीपी? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 60,000 आएगा। पारुल कह रही है कि सर 60,000 नहीं आएगा, 4 लाख का 20% सर, 80,000 जीपी आना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चे फिगर्स लिख रहे हैं, जैसे प्रमोद ने लिखा 18,500, पर उसने बताया नहीं कि 18,500 क्या है, जीपी है या कुछ और चीज है, क्या है, क्या जीपी ये 60,000 आएगा? माई आंसर इज नो, ये जीपी 60,000 नहीं आएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बच्चे यहां पर आप मात खा गए, मैं जो बात कहने वाला था आपको, या मैं इतनी देर से कह रहा था कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा आज के लेक्चर के बाद कि कुछ ट्रेडिंग अकाउंट तो अपन बना लेते हैं, पर वो जो हमें चीजें रटी रटाई हैं बस हम उनके हिसाब से बना लेते हैं, हम खुद का दिमाग नहीं चलाते। पर बहुत सारे बच्चे की जान के खुशी हो रही है कि खुद का दिमाग चला रहे हैं और कुछ कुछ सही सही जवाब आ रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 नहीं आ सकता, ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 नहीं आ सकता, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 नहीं आ सकता, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस। अच्छा जी, किसी ने लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ओके, अपनी फीलिंग्स पर काबू रखिएगा, मैं आपके सबके आंसर्स पढ़ता जा रहा हूं, तो डबल डबल आंसर मत लिखिए, अपनी फीलिंग्स पर काबू रखिए। जीपी 60,000 नहीं आएगा, जीपी 80,000 आएगा, किसी ने बोला, ठीक है प्रूव करते हैं अपन, जीपी 80,000 आएगा। चलिए दैट्स इट, नाउ स्टॉप द चैट, नाउ प्लीज स्टॉप द चैट, प्लीज स्टॉप द चैट। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों। हुआ क्या समझिएगा, हुआ ये कि हमारे पास, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था निल, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था निल, ठीक है ना? हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज कर लिए, हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज कर लिए 5 लाख रुपीज के, आप लिखेगा मत, हमने ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेज किए 5 लाख रुपीज के। आप इसको ऐसा सोच सकते हो, इट इज जस्ट लाइक कि हम सुबह सुबह नींद से उठे, नहाए धोए, लगा आज तो मस्त क्रिसमस मनाने जाएंगे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त, देखें पैसे हमारे पास कितने रखे। देखा पर्स, देखा तो पर्स में कुछ नहीं मिला, हमारा पर्स खाली, निल निल बट्टे सन्नाटा, ओपनिंग स्टॉक जीरो। हमने बोला बाप रे, किसके पास जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली हम छोटे छोटे बच्चे, हम किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे अपने मम्मी डैडी के पास, हम जाएंगे अपने मम्मी डैडी के पास, पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास, कि मम्मी मम्मी पप्पा पप्पा मेरे को पैसे दे दो, मेरे को पॉकेट मनी दो, आज मेरी क्रिसमस है, ठीक है ना? तो मेरे को जाना है बाहर, पार्टी करनी है दोस्तों के साथ। चलो ठीक है, पार्टी करनी है आपको, तो पापा ने, मम्मी ने, या आपके दादा दादी ने आपको कुछ पैसे दिए। अब ये 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख तो ऑब्वियसली नहीं दे सकते, 5 लाख तो साला मुझे नहीं देते, ठीक है ना? इतना बड़ा हो गया उसके बाद भी नहीं देते। तो 5 लाख रुपए आपको पॉकेट मनी मिली, कंसीडर दिस एज अ पॉकेट मनी। अब आपकी जेब में कितने हो गए बच्चों? अब आपकी जेब में कितने पैसे रखें? आपकी जेब में 5 लाख रुपीज रखें, आप इसको 500 रुपए समझ लो, ठीक है ना? आप इसको 500 रुपए समझ लो, तो आपकी जेब में 500 रुपए रखें, ठीक है ना? आपकी जेब में 500 रुपए रखें, मस्त आपने बढ़िया 500 रुपए रखा, अबे आज तो पार्टी करेंगे रे, बढ़िया मस्त समोसा पार्टी, कचौड़ी पार्टी करेंगे आज। जिस हिसाब से तुम्हारी एज है, लगता है कि ऐसे ही कुछ पार्टी कर रहे होगे, है ना? तो जो स्टार्ट करना है आपको, आपका दिन आपको स्टार्ट करना है 500 रुपए से, दैट्स इट। आपने बोला चलो चलते हैं मार्केट में, निकलते हैं और पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे। आपने क्या किया, आप समझिएगा ध्यान से, आपने क्या किया, आपने 5 लाख रुपए में से कुछ गुड्स बेच दिए, आपने 5 लाख रुपए में से कुछ गुड्स बेच दिए, मतलब आपकी जेब में जो 500 रुपए रखे थे आपने उसमें से कुछ पैसे निकाल के खर्चा कर लिया। ऐसा ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, आपने कुछ पैसे निकाल के खर्चा कर लिया। अब
आपने जो सेल किए, आपने जो गुड सेल किए, आपकी आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी है कि आप जब गुड्स सेल करते हो तो 20% प्रॉफिट अबव कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर आप सेल करते हो, कॉस्ट के ऊपर आप 20% प्रॉफिट अर्न करते हो, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। तो अगर मैं इसको बोलूं तो बेसिकली ये हुआ आपका 1/5 ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/6 ऑन सेल। मुझे बताइए ये पॉइंट सबको समझ में आता है, 1/5 क्या होता है? ये 1/5, 20% को 1/5 कैसे बोला मैंने? देखो 20% मतलब 20/100%, को 100 लेते हैं, तो अब इसको अगर कट करोगे तो ये आएगा 1/5, तो ये हो गया 1/5। प्रॉफिट अबव कॉस्ट लिखा है तो ऑन कॉस्ट, तो ये 1/5 ऑन कॉस्ट होता है। अगर ये 1/5 ऑन कॉस्ट हो गया तो सेल पर कितना होगा? तो सेल पर हमेशा हम एक बढ़ाना पड़ता है, सेल के लिए हमें हमेशा 1+ करना पड़ता है, तो 1/6 ऑन सेल। इसका मतलब अगर 1/7 ऑन कॉस्ट हुआ तो 1/8 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट हुआ तो 1/5 ऑन सेल, 1/2 ऑन कॉस्ट हुआ तो 1/3 ऑन सेल, ठीक है ना? ऐसा तो 1/6 ऑन सेल्स, क्लियर आता है? सर आप ये हमें क्यों बता रहे हो 1/6 ऑन सेल्स? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो मेरा सेल दिया हुआ है, ये जो मेरा सेल दिया हुआ है, ये जो मेरा सेल दिया हुआ है 4,80,000, ये जो मेरा सेल दिया हुआ है 4,80,000, ये मेरा सेल फिगर है, ये सेल वैल्यू है, ये मेरा कॉस्ट नहीं है, ये 4,80,000 मेरा सेल फिगर है। तो देखा जाए तो मैंने 480 डिवाइडेड बाय 6, तो मतलब मेरे को 80,000 का प्रॉफिट हुआ, मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैंने 4,80,000 के सेल के ऊपर मैंने 80,000 का प्रॉफिट अर्न किया, मैंने 80,000 का प्रॉफिट अर्न कर दिया। इस पॉइंट में किसी को डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। और कोई डाउट मत पूछना, सिर्फ इस पॉइंट पर अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछिए। मैंने आपको बोला बेटा 20% को कैसे लिखते हैं, 20% को लिखते हैं 20/100, यहां पर आता है 1/5। अब ये ऑन कॉस्ट क्यों लिखा? क्योंकि यहां लिखा है अबव कॉस्ट, तो 1/5 अबव कॉस्ट हुआ तो 1/6 ऑन सेल हुआ। अब मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मेरा ये फिगर है 480, ये सेल का फिगर है, ये कॉस्ट का फिगर नहीं है। तो 480 अगर सेल का फिगर है तो 480 के ऊपर मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 1/6 करूंगा मैं, ठीक है? तो मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ। टेक्निकली मैंने सेल गुड्स से सेल किए जिसपे मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसपे मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? और ये मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय जीपी? जीपी मतलब क्या? जीपी मतलब प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स, आपका जो भी प्रॉफिट आया वो आपका जीपी है बेसिकली। अभी मैं इसमें कुछ बात और ऐड कर सकता हूं इसलिए जगह छोड़ रहा हूं। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स, आई मेरी बात समझ में? यहां तक तो कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो चीज पूछ रहा हूं सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। मैं जानता हूं बच्चों आप एडिशनल बहुत सारी चीजें बोलना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो, वो बताना चाहते हो, बट देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना? आप अगर मेरे सामने फेस टू फेस होते तो मैं डेफिनेटली आपकी एक्स्ट्रा बातें भी सुनता, बट यहां पर आपको रेस्ट्रिक्ट इसलिए करना पड़ रहा है ताकि मैं अपनी पॉइंट्स को सही समय पर रख पाऊं, ठीक है? तो प्लीज आप मत बोलिए। दुर्गा जोशी, सर अगर सेल्स 1/8 रहेगा तो कॉस्ट के लिए क्या होगा? 1/7? यस दुर्गा, यस बिल्कुल ठीक। अगर सेल 1/8 है तो कॉस्ट 1/7, अगर सेल 1/9 है तो कॉस्ट 1/8, ऐसे, ठीक है? तो जीपी आया आपका 80,000, इज इट राइट? इज इट ओके टू यू? हाँ सर ओके। और अगर आपका जीपी 80,000 आया और अगर आपका सेल, अगर आपका सेल 480 है जिसमें आपका प्रॉफिट 80,000 है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको अपन बोलते हैं COGS, ये ध्यान रखना, ये वर्ड आपको बहुत काम आएगा अकाउंट्स में और कॉस्टिंग में। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? भाई आपने जो गुड्स बेचे 4,80,000 में बेचे,
उसमें प्रॉफिट कितना शामिल है? 80,000। तो इसका मतलब उन गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई, उन गुड्स की कॉस्ट हुई 4 लाख रुपए की। उन गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई? 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख को क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अंडरस्टूड और नॉट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका क्या हुआ? 4 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ? 4 लाख रुपए का। इज इट अंडरस्टूड और नॉट? अब आप ध्यान से देखिए जो मैं आपको बोलने जा रहा था कि हुआ क्या। आपने 5 लाख रुपए के खरीदे गुड्स, आपने 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, आपने 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, ये था आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये था आपका टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। उसमें से आपने बोला कि भाई मैंने 4 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कर दिए। आपने बोला 5 लाख की कॉस्ट में से 4 लाख की कॉस्ट के गुड्स चले गए, 5 लाख की कॉस्ट में से 4 लाख की कॉस्ट के गुड्स चले गए, 5 लाख की कॉस्ट में से 4 लाख की कॉस्ट के गुड्स चले गए। भाई कंपैरिजन तो कॉस्ट का कॉस्ट से होगा ना, 5 लाख क्या है? कॉस्ट। तो 4 लाख भी क्या होना चाहिए? कॉस्ट। यहां क्या मैं काट के 4.80 लिखूं? नहीं, यहां काट के मैं 4.80 नहीं लिख सकता क्योंकि 4.80 मेरा सेल वैल्यू है, तो मैं कॉस्ट को सेल से कंपेयर थोड़ी कर सकता हूं। आया समझ में कि नहीं? मैं कॉस्ट को कॉस्ट से कंपेयर करूंगा। तो 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए के गुड्स तो सेल हो गए, तो टेक्निकली मेरे पास कितने बचने चाहिए? कैलकुलेशन सिंपल है, 5 लाख में से 4 लाख के गुड्स अगर चले गए तो मेरे पास 1 लाख के गुड्स बचने चाहिए। और यहां पर देखिए ध्यान से कि आपके पास सिर्फ 80,000 के गुड्स बचे हैं। आप ध्यान से देखिए, आपके पास स्टॉक इन हैंड जो आ रहा है वो 80,000 का आ रहा है, आपके पास स्टॉक इन हैंड जो आ रहा है वो 80,000 का आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक, मेरे पास अगर क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब 5 लाख में से अगर मैं 4 लाख के गुड्स बेच सकता हूं तो मेरे पास 1 लाख के गुड्स स्टॉक में बचने चाहिए, मेरे पास 1 लाख के बचने चाहिए, पर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का बचा है। इसका मतलब पक्की बात है बाकी 20,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, बाकी 20,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, चोरी हो गए, जल गए, कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया या लॉस्ट हो गए, गुम हो गए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आई मेरी बात समझ में कि नहीं? वंश छाबड़ा, अपना आंसर डिलीट करो, गलत लिखा है। 20,000 लॉस बिकॉज ऑफ नेट रिजर्व वैल्यू, बिल्कुल गलत लिखा है, उसको हटा दो ये नेट रिजर्व वैल्यू। बेटा प्लीज, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना ज्यादा ज्ञान यहां पर मत रखिए थोड़ी देर तक, हो सकता है शायद आपको बाद में रिलाइज हो कि यार ये मेरा ज्ञान ठीक नहीं था। तो प्लीज जो चीजों पर मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्या है कि हम अगर कुछ गलत ऐसे कुछ बड़े बड़े वैल्यूज लिखेंगे ना बिकॉज ऑफ नेट रिजर्व वैल्यू, तो बाकी बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़े से, बाकी बच्चों का कॉन्फिडेंस चल जाता है। मैं ये बात समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी अपने टाइम में कोई ज्यादा सुपर रैंकर टाइप का बच्चा नहीं था, तो मुझे काम करने दो उन बच्चों के हिसाब से ताकि सबकी सोच एक तरीके से जाए। ये नेट रिलेटिव बिकॉज ऑफ नेट रिलेटिव वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला। तो प्लीज वंश छाबड़ा, अभी आप ये चीज मत बोलो। तो 20,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। सर लॉस्ट कहां हुए सर? अरे भाई चोरी हो सकते हैं, ठीक है ना, पेरिशेबल गुड्स थे मान लीजिए, तो फिर डिस्ट्रॉय हो गए, वॉट एवर। तो आप समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट जब बना रहा हूं तो देखो क्या कर रहा हूं, मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई 5 लाख के गुड्स लिए थे, उसमें से 4 लाख के गुड्स बेच दिए, 5 में से 4 के बेच दिए, तो कहीं ना कहीं मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख का बचना आना चाहिए, कहीं ना कहीं मेरे क्लोजिंग स्टॉक में एक आना चाहिए। देखो सीधी बात है, डेबिट बराबर क्रेडिट, डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। अगर 5 लाख के गुड्स मेरे पास यहां पर डेबिट साइड में है तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड में मेरे पास 5 लाख का हिसाब होना चाहिए। जब तुम घर पहुंचोगे, जब तुम घर पहुंचोगे, तुमने पापा से पॉकेट मनी लिया 500 रुपए का, ठीक है ना, तुमने अपने घर वालों से 500 रुपए का पॉकेट मनी लिया, तुमने उसमें से 400 रुपए कहीं पर खर्च कर लिए, तुमने उसमें से 400 रुपए खर्च कर लिए, जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारे तुमसे पापा मम्मी तुमसे हिसाब लेंगे, तुमसे बोलेंगे बता बेटा 500 रुपए का क्या क्या लिया, भाई तू हमारा बच्चा है, हमने तेरे को 500 रुपए दिए, बता तू मुझे 500 रुपए का क्या क्या किया। तो तू क्या बोलेगा कि सर देखो 500 रुपए में से हमने 400 रुपए की शॉपिंग कर ली। तो पापा बोलेंगे अच्छा मतलब 100 रुपए बचे होंगे ना, कोई बात नहीं रखे रहे।
तूने देखा कि तेरे जेब में 80 रुपए बचे। तू हैरान परेशान बाल इधर उधर करने लगा, ये क्या हो गया? तो मालूम पड़ा तेरी जेब फटी हुई थी और 20 रुपए गिर गए। तेरी जेब फटी हुई निकली और 20 रुपए गिर गए। अब वो चले गए, अब वो 20 रुपए नहीं आएंगे, तो 20 रुपए हो गए लॉस्ट। पर उसका हिसाब तो पापा को देना पड़ेगा ना। अगर मैं यहां पर 5 लाख रुपए के गुड्स लिख लूं और यहां पर सिर्फ मैं 4,80,000 का हिसाब दे दूं कि सर ऐसा है कि 4 लाख के गुड्स हमने बेचे और 80,000 के हमारे पास स्टॉक बचा, तो ये हिसाब तो क्लियर ही नहीं हुआ, ये तो गलत है। कैसे ऐसे कैसे चलेगा दीदी? आई बात समझने की? नहीं, ऐसे कैसे चलेगा अंकल? तो अगर मैंने 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं तो मुझे हिसाब भी 5 लाख रुपए का देना पड़ेगा दीदी। आई बात समझ में कि नहीं? अगर 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं तो 5 लाख का हिसाब देना पड़ेगा। और ये 5 लाख का हिसाब क्या है? मैं बोलूंगा 4 लाख के गुड्स, 4 लाख के गुड्स 4,80,000 में बेचे, 4 लाख के गुड्स 4,80,000 में बेचे, मतलब 4 लाख के गुड्स तो गए। उसके बाद मेरे पास 80,000 के गुड्स, 80,000 के गुड्स मेरे पास रिमेनिंग बच गए। ओ माय गॉड, 20,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। तो यहां पर मैं लिखूंगा 20,000, 20,000 के गुड्स लॉस हो गए, ठीक है ना? 20,000 का गुड्स लॉस्ट, 20,000 के गुड्स लॉस्ट हो गए। अब यहां पर सवाल आता है कि सर ये हमने लॉस को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? तो बात को समझिए, हमने गुड्स 5 लाख रुपए के खरीदे थे, क्या सोचकर खरीदे थे? सरदार खुश होगा, 5 लाख के गुड्स जब खरीदे थे तो क्या माइंड में था, क्या भेजे में था कि मैं इस 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करूंगा, मैं इस 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करूंगा। तूने सच्ची मुच्ची में ट्रेडिंग की सिर्फ 4 लाख के गुड्स की, तो तूने क्या बोला? चल कोई बात नहीं, बाकी मैं अगले साल 1 लाख की ट्रेडिंग करूंगा। देखा गया, तो तू तेरे पास सिर्फ 80,000 ही है अगले साल ट्रेडिंग करने के लिए। तो तू क्या बोलेगा? ओ माय गॉड, 5 लाख में से 4 लाख की तो मैंने ट्रेडिंग कर ली, बाकी 80,000 की ट्रेडिंग मैं अगले साल करूंगा, पर 20,000 की ट्रेडिंग मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, 20,000 की ट्रेडिंग मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा तो उसको यहां से हटाओ, उसको यहां से हटाओ, उसको इधर से हटाओ। अगर मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको यहां पर क्यों दिखा रहा हूं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से माइनस कर सकते हैं क्या 20,000? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट अभी ना प्रेजेंटेशन पर बात मत करना प्लीज। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 20,000 हम यहां से माइनस करें यहां हटा के, तो मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हो, बात एक ही है। पर यहां पर प्रेजेंटेशन पर बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लॉजिक पर कि 5 लाख के अगर तूने गुड्स खरीदे हैं ये सोचकर कि 5 लाख की ट्रेडिंग करेगा, तो क्या तूने सच्ची मुच्ची में 5 लाख की ट्रेडिंग करी है कि नहीं की है? तो तू बोल रहा है सर मैंने 4 लाख की ट्रेडिंग कर ली, बाकी 1 लाख की ट्रेडिंग मैं अगले साल करूंगा। पर तूने देखा तो यार ये तो मेरे 80,000 के गुड्स बचे, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मैं सिर्फ 80,000 की ट्रेडिंग करूंगा, इसका मतलब मैं 20,000 की ट्रेडिंग नहीं कर पाया और मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं 20,000 को क्रेडिट साइड लिख रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पर सर ये तो लॉस है ना सर, लॉस तो डेबिट होता है ना, बात को समझिए। अब ये लॉस है पर मैंने इस लॉस को बुक नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपने परचेस में से इसको लेस कर दिया, ये मानते हुए कि भाई मैंने 5 लाख का सोचा था कि ट्रेडिंग करूंगा, पर ट्रेडिंग तो मैं सिर्फ 4 लाख की कर पाया, इसीलिए मैं बाकी का 20,000 परचेस से हटा रहा हूं। फिर जब मैं जीपी निकालूंगा तो अब मेरा जीपी निकालिए कितना आ रहा है, 480 प्लस 20 प्लस 80 माइनस 5 लाख, माइनस 5 लाख, तो मेरा जीपी आ गया 80,000, मेरा जीपी आ गया 80,000। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? मेरा जीपी आ गया 80,000 रुपीज, मेरा जीपी आ गया 80,000 रुपीज। और देखिए हमारी बात को प्रूफ किया जा रहा है इस बात को बोलते हुए कि व्हाट डू यू मीन बाय जीपी, जीपी का मतलब क्या था? जीपी का मतलब था प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल। अगर तू ये 20,000 यहां से हटाता ही नहीं, सोच अगर तू यहां पर कुछ लॉस लिखता ही नहीं, गड़बड़ कर देता, तो तेरा जीपी कितना आ रहा था? तेरा जीपी आ रहा था 60,000। तो क्या तूने सच्ची मुच्ची 60,000 का प्रॉफिट अर्न किया है? नहीं, तूने 80,000 का ही किया है। प्रॉफिट जो 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 जीपी होता है, जीपी बताता है कि तूने सेल पर कितना कमाया। हाँ ठीक है, बाकी तेरे गुड्स वुड्स लॉस्ट हो गए वो अलग बात है, तूने सेल पर कितना कमाया, सेल पर तूने 80,000 कमाया क्योंकि तेरा सेल 4 लाख के गुड्स 4,80,000 में हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये बात बनती कि सर हमने ये 20,000 हटाया ट्रेडिंग में से, 5 लाख में से हटाया, ये बात समझ में आई, पर सर हमारा ये लॉस तो है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो क्या करेंगे जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, बाय जीपी, हम जीपी यहां ले जाते हैं 80,000, और हम कहते हैं कि अच्छा हाँ ये 20,000 का जो हमारा लॉस हुआ, क्या ही हमारा एबनॉर्मल नेचर का लॉस है, क्या हमने एक्सपेक्ट किया था क्या
कि हमें लॉस होगा, हमने बोला नहीं, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा ये लॉस होगा, तो यहां पर ये सच्ची मुच्ची में एबनॉर्मल लॉस को बुक कर दे। तो यहां पर हमने लॉस को बुक कर दिया, दैट इज 20,000। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो आया 60,000। बच्चे बोलेंगे सर 60,000 तो हमारा भी आ रहा था ना, सर हमारा ऊपर जीपी में आ रहा था 60,000। मैं बोलूंगा जीपी को नहीं छेड़ने का, जीपी को नहीं छेड़ने का, जीपी को नहीं छेड़ने का। जीपी का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल। सिर्फ सेल सेल के ऊपर कितना प्रॉफिट है वो मालूम पड़ना चाहिए। हाँ, तूने अगर जो अलग कांड किए हैं, तूने अगर अलग कांड किए हैं जो कि कहीं ना कहीं तेरे वो सेल से रिलेटेड नहीं थे, तेरा गुड्स लॉस्ट हुआ, वो तेरा तेरी गलती है, तेरी गलती। उसको तू जीपी में रिफ्लेक्ट मत कर, उसको तू नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट कर। तू उसको पेंडल में ले जा, तू ये बता कि भाई वैसे तो मैंने 80,000 रुपए कमाए हैं सेल करके, पर हाँ 20,000 का मेरा नुकसान भी हुआ है क्योंकि गुड्स लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, तो मेरे नेट फायदा 60,000 का हुआ, पर टेक्निकली देखा जाए तो मेरा जीपी 80,000 है। कुछ आया समझ में कि नहीं? यहां तक कुछ बातें क्लियर हुई कि नहीं? मैं अभी बहुत सारी बातें और करने वाला हूं, तो यहां तक आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं? गाइस टेल मी, यहां तक आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर आपने यहां क्या लिखा है, एबनॉर्मल क्यों लिखा है? मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने जो आपको जो लॉस हुआ, क्या आप मान के बैठे थे कि आपका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि आपको ये लॉस तो होता रहता है, ऐसा है क्या? या फिर आप मान के बैठे कि नहीं नहीं काय का लॉस होता है? दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो एंटिटी हमेशा मान के चलती है कि यार एक पर्टिकुलर लेवल तक तो हमें लॉस होगा ही होगा, क्योंकि हमारे गुड्स ही ऐसे हैं, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, या फिर फ्यूल है, पेट्रोल है, ठीक है ना, केमिकल्स हैं, जो थोड़े बहुत तो लॉस में होते ही होते हैं, 5 से 10% का लॉस जाता ही जाता है। अगर ऐसा है तो आप उसको नॉर्मल लॉस मान सकते हो, और जो नॉर्मल लॉस होता है वो आपके पीएनएल में नहीं जाता, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो आप शुरू से मान के बैठे हो कि आपको लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं करते हो। क्यों सर? क्योंकि नॉर्मल लॉस आप पहले दिन से मान के चलते हो कि आपको होगा, इस चक्कर में आप ये बोल के चलते हो कि भैया देखो ऐसा है कि लॉस तो वैसे भी होना है, तो उस लॉस की रिकवरी मैं कैसे करूंगा? मैं जब गुड्स सेल करूंगा ना तो वो ज्यादा प्रॉफिट पे सेल करूंगा ताकि मेरे रिकवरी हो जाए। तो टेक्निकली बात यह है कि हम पीएनएल में नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं चार्ज करते क्योंकि आप जो सेल करते हो ना, सेल में उस नॉर्मल लॉस की रिकवरी बना चुके होते हो। मतलब आपके माइंड में पहले से ही रहता है कि मेरा इतना गुड्स पहले लॉस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रिकवर करना है प्रॉफिट के रूप में अपने कस्टमर से। तो इसलिए आपके सेल में वो पहले से ही बढ़ा के सेल करते हो, मतलब आप अपना मार्जिन बढ़ा देते हो। जब आप अपना मार्जिन बढ़ा देते हो तो आपका जीपी अपने आप आ जाता है, तो आपका लॉस कहीं ना कहीं दिखाने की आपको जरूरत है ही नहीं। समझ आया कि नहीं? दुर्गा जोशी, सेल जो हुआ है वो 4,80,000 का हुआ है। मेरे बेटे आप बात को समझिए, 2 रुपए की चीज अगर तू 2.5 रुपए में बेचेगी, 2 रुपए की चीज अगर तू 3 रुपए में बेचेगी, तो इसमें से 2 रुपए सेल है कि 3 रुपए सेल है? मेरी माता मुझे आंसर दे, 2 रुपए की चीज तूने खरीदी, तूने उसको 3 रुपए में बेचा, तो तेरे लिए सेल क्या है? मेरी माँ बता, 2 रुपए तू सेल मानेगी कि 3 मानेगी? तू 3 की सेल मानेगी ना, 2 रुपए की सेल। में फिर से रिपीट कर रहा हूं दुर्गा, सिर्फ आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, 2 रुपए की चीज अगर तू 3 रुपए में बेचेगी तो तेरे लिए 3 रुपए क्या होगा? सेल। और तेरे लिए 2 रुपए क्या होगा? उस सेल का खर्चा, वो सेल करने का खर्चा, तो 2 रुपए होगा तेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या डालते हैं? सेल डालते हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? ऐसे कैसे समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अच्छा, अगर मैं दुर्गा की बात मानूं, दुर्गा ध्यान से सुनना और सभी लोग सुने, दुर्गा कह रही है सर सेल तो सर 4 लाख ही लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सेल को 4 लाख ही लिखो सर। नहीं सर, मेरे को तो सेल 4 लाख चाहिए। मैंने बोला चल मेरी माँ तेरी बात मानी, 4 लाख ही सेल लिखना है। चल मैंने तेरी बात मानी, 4 लाख की सेल लिखना है, बस खत्म। अब तू जीपी निकाल, तेरा जीपी आएगा ही नहीं, तेरा जीपी नहीं आएगा। पता है क्यों? तूने 5 लाख लिखा कॉस्ट पे, तूने 4 लाख लिखा कॉस्ट पे, एक्चुअली तेरा ये सेल है ही नहीं, तेरा ये हो गया COGS, तेरा ये हो गया COGS, कॉस्ट ऑफ, तूने कॉस्ट पे लिख दिया और उसमें से तेरे 20,000 के लॉस्ट हो गए, तेरा 80,000 का वो पड़ गया, तेरा जीपी आ ही नहीं रहा। तू तू प्रॉफिट को शो ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तूने सेल को कॉस्ट पे दिखा दिया। सर ये भी हो सकता था कि 1 लाख कॉस्ट है और 80,000 मार्केट वैल्यू हो, इसीलिए वी हैव स्टॉक इन हैंड ऑफ ₹80,000 कॉस्ट। बस स्पेसिफाई कर दिया, मेरी गलती। मैं आपको जब बोल रहा हूं कि प्लीज मार्केट वैल्यूज पर मत जाइए, मैं अगले एग्जाम्पल में आऊंगा। आपके जो अदर ऑल्टरनेटिव दिमाग में चल रहा है ना, मैं उनको अदर एग्जाम्पल में लेके आऊंगा।
पर अभी जो मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं ना, उसके लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद मत करो, मुझे घुसने दो। समझ आया कि नहीं? तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि सर ये 4,80,000 आएगा, ठीक है, और यहां क्लोजिंग स्टॉक आएगा कितना, 80,000। यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, अभी मुझे बातों पर और कुछ सुनाना है आपको, सुनिएगा ध्यान से, अभी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, ठीक है ना। मैंने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपसे सिर्फ ये बात करने की कोशिश की कि बच्चों लॉस को भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ता है, और क्यों डालना पड़ता है उसका कारण है। क्यों लॉस को क्यों डालना पड़ता है? नालायक बच्चों मुझे डिस्क्राइब करो, लॉस को क्यों डालना पड़ता है? मैंने बता दिया, बताइए लॉस क्रेडिट साइड में क्यों आता है? लॉस क्रेडिट साइड में आता है, इसका जवाब सबके पास है, पर लॉस क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आता है? नाउ आई वॉन्ट द आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है यार, वेरी गुड मुकुल गर्ग, वेरी गुड। बिकॉज वी कैन नॉट ट्रेड द लॉस्ट गुड्स एज वी डिडक्ट इट फ्रॉम परचेज। एज वी डिडक्ट नहीं, क्यों हमने 20,000 को यहां पर अल्टीमेटली परचेज से भी क्यों डिडक्ट किया? मेरा पूछने का मतलब है, हम परचेज में से डिडक्ट कर रहे हैं या फिर हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उतने गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर पाए। जब हम गुड्स की ट्रेडिंग ही नहीं कर पाए तो हटा दो, तो हटा दो, तो हटा दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? बात समझ में कि नहीं? क्योंकि हम गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर सके, इसीलिए हमने परचेस में से उसको हटा दिया। कुछ आया समझ में कि नहीं? इन गुड्स की ट्रेडिंग नहीं हो पाई। क्या आप रेडी हो मैं आपसे सेकंड सवाल पूछूं? बच्चों मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बच्चों 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 मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है सर आपका, बताइए। तो दूसरा सवाल 5,000 रुपए का शुरू होता है अब। टिंग टिंग, मुझे ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? लॉस को क्रेडिट साइड में लिखा आपने, मुझे रीजन बताया, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? मनन मनन मनन, यश, वेरी गुड यश। प्रिंकल चावला, वेरी गुड,
प्रिंकल चावला, वेरी गुड। ठीक है, मुझे आंसर मिल गए। नाउ स्टॉप चैटिंग, नाउ लेट मी स्पीक, प्लीज लेट मी स्पीक। आई गॉट द आंसर बच्चों, थैंक यू सो मच, आई गॉट द आंसर। नाउ प्लीज लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट द प्रॉपर थिंग्स सो दैट बाकी बच्चे जिनका जवाब शायद सही नहीं हुआ या जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जिनको नहीं समझ में आया, तो उनको समझ में आए। प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाकी चैट मत करिए ताकि मैं बाकी बच्चों को समझा सकूं, और जिन बच्चों ने जवाब दिया पर उन बच्चों का अगर आंसर ठीक ठाक नहीं रहा तो उनको भी समझ में आए। प्लीज बाकी बच्चे ना बोलें, अब चैट मत करिए। देखिए, अलग अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि एक जो चीज बोली उसी तरीके से समझना है, दूसरा तरीका भी होगा हमारे पास, ठीक है ना। इसको 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 थोड़ा सा तरीके से समझने की कोशिश करो। राहुल महेश्वरी थैंक यू सो मच, बस इसके बाद नहीं, इसके बाद कोई आंसर, कोई चैट नहीं, प्लीज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आपसे पूछा था कि आप लॉस को क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हो या परचेस से क्यों हटा रहे हो, तो आपने बिल्कुल एक सही बात बोली, आपने बिल्कुल एक सही बात बोली कि सर हमने जब लॉस की ट्रेडिंग ही नहीं की, हमने इस 20,000 की ट्रेडिंग ही नहीं की, तो सर इसको यहां पर रखने का मतलब क्या है, इसको हटाओ। बात आपकी सही थी। वैसे ही इन द सेम सेंस आपने 80,000 की भी ट्रेडिंग कहां की, तुम तो सोच के आए थे कि तुम 5 लाख की ट्रेडिंग करोगे, क्या तुमने 5 लाख की ट्रेडिंग की, तुमने तो सिर्फ 4 लाख की ट्रेडिंग की, याद करो, तुमने तो सिर्फ 4 लाख का ही गुड्स बेचा, तो तुमने 1 लाख का ट्रेडिंग नहीं किया, उस 1 लाख में से तुम्हारा 20,000 का तुम ट्रेडिंग कभी भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए तुमने लॉस मान लिया, और बाकी 80,000 की ट्रेडिंग में तो तुमने नहीं की ना, बाकी 80,000 की ट्रेडिंग में तो तुमने नहीं की ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 80,000 भी तुम क्या बोल रहे हो, अरे यार मैं इस 80,000 की भी ट्रेडिंग नहीं कर पाया, इसीलिए इसको भी मैं परचेस में से हटा दूं। हम परचेस में से उसको डिडक्ट ना करके हम उसको अलग से लिखते हैं, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, हम उसको परचेस में से डिडक्ट ना करके हम उसको कहां लिखते हैं, अलग से लिखते हैं, तो इसलिए हम तुमने क्लोजिंग स्टॉक बताया। पहला आंसर सिंपल सा ये कि सर जैसे लॉस के केस में हम कहते हैं कि सर हम उसकी ट्रेडिंग नहीं कर पाए, वैसे ही हम इसकी भी कहां ट्रेडिंग कर पाए, हम 80,000 की ट्रेडिंग भी कहां कर पाए, इसीलिए हम उसको हटा रहे हैं, द फैक्ट। आई बात समझ में कि नहीं। दूसरा सेंस सोचो, अब थोड़ा सा लॉजिकल और लॉजिकल जाओ, इसको एंट्री के फॉर्म में सोचो, इसको एंट्री के फॉर्म में सोचो। पता है क्या, जब तुम गुड्स परचेज करके लाए थे ना, जब तुम गुड्स परचेज करके लाए थे ना, तुमने पता है एंट्री क्या मारी थी, तुमने एंट्री मारी थी परचेज अकाउंट डेबिट। अब बहुत बढ़िया चीज बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, लॉजिकल चीज। जब तुम गुड्स परचेज करके लाए थे ना, तो तुमने एंट्री मारी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या क्रेडिटर्स, वॉट एवर। अब ना इस केस में तुम मुझसे लड़ना मत कि सर यहां पर ये लिख दो वो लिख दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर्स, यहां पर तुमने एंट्री पास की थी, पता है क्या, 5 लाख रुपए की, तुमने परचेज अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए। यू नो व्हाट, तुमने पता है क्या सोचा, और परचेज तुम्हारा कौन सा होता है, परचेज परचेज तुम्हारा क्या होता है, तुम परचेज तुम्हारा एक्चुअली खर्चा होता है, परचेज तुम्हारा एक्सपेंस होता है, परचेज तुम्हारा एक्सपेंस होता है कि नहीं होता है, परचेज एक्सपेंस होता है। तो तुमने बोला 5 लाख रुपए के गुड्स खरीद लिए, परचेज हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया। तुमने सोच लिया था पहले दिन से ही कि मैं इन 5 लाख के गुड्स को तो बेचूंगा ही बेचूंगा, तुमने तो सोच लिया था कि मैं 5 लाख के गुड्स को बेचूंगा ही बेचूंगा, एंड हेंस तुमने एक एडिशनल एंट्री पास कर दी, तुमने एंट्री पास करी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब तुमने बोला कि भाई मैं इन 5 लाख की तो ट्रेडिंग करूंगा, इसीलिए मेरा ये खर्चा, मैं 5 लाख की ट्रेडिंग करूंगा, मतलब ये मेरा 5 लाख का खर्चा हो गया। तुमने ये सोच के ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया कि तुम्हारा तो ये एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस हो गया तो उसको राइट ऑफ करो, एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा राइट ऑफ, तो एक्सपेंस को तुमने राइट ऑफ कर दिया ये सोचते हुए कि ये तो तुम्हारा खर्चा है, इसीलिए तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के, इसीलिए तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 5 लाख रुपए खर्चा दिख रहा है। जैसे ही ईयर एंड हुआ, तुमने देखा कि ओ माय गॉड, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का तो हमारे पास बच गया, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का तो बच गया, ओ माय गॉड, 80,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसका मतलब जो हमने सोचा था कि 5 लाख का एक्सपेंस है, हम गलत हो गए, हमारा एक्चुअली 5 लाख का एक्सपेंस है ही नहीं, 5 लाख में से हमारा 4,20,000 का एक्सपेंस है, क्योंकि 80,000 के गुड्स तो हमारे पास बच गए जिनको हमने बेचा ही नहीं,
और ये जो 80,000 के गुड्स बच गए इसको तो हम फ्यूचर में सेल करेंगे, फ्यूचर में सेल करेंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है ना, और इन 80,000 के ऊपर हमारा ही कंट्रोल है। इसका मतलब ये तो हमारी असेट हुई। सर ने तो हमें कल की क्लास में बताया था कि असेट की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो जो 5 लाख में से 80,000 के गुड्स बच गए, ओ माई गॉड, गलती से मैंने पूरा पूरा एक्सपेंस मान लिया, गलती से मैंने पूरा पूरा एक्सपेंस मान लिया, और गलती से मैंने उसको एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग में डाल दिया। ओ बाप रे, 80,000 तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, वो तो मेरा असेट बन गया। अच्छा, 80,000 मेरा असेट बन गया रे। और अगर 80,000 मेरा असेट बन गया तो असेट को खड़ा करो, असेट को खड़ा करो। असेट को खड़ा करने की एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट। असेट को रिकॉग्नाइज करो, असेट को रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, असेट को रिकॉग्नाइज करो। तो असेट को रिकॉग्नाइज करो मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और ये असेट को रिकॉग्नाइज कहां से करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। सर ट्रेडिंग से क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपेंस को तूने कहां राइट ऑफ किया था? ट्रेडिंग में। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट से ही वापस असेट क्रिएट करूंगा। मैं बोलूंगा मैंने गलती से 5 लाख रुपए डब्बे में डाल दिए, मैंने गलती से 5 लाख रुपए डब्बे में डाल दिए। व्हाट इज डब्बा? डब्बा मींस ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज डब्बा? डब्बा मींस ट्रेडिंग अकाउंट। मैं 5 लाख रुपए के गुड्स खरीद के आया और मैंने बोला ये मेरा पूरा खर्चा है, ले डब्बे में डाल दिए। ओ माय गॉड, ये डब्बा क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से वापस 80,000 के गुड्स निकाल रहा हूं, इस डब्बे में से वापस 80,000 के गुड्स निकाल रहा हूं, क्योंकि ये 80,000 का खर्चा नहीं है, मेरा असेट है। और इस असेट के ऊपर मेरा कंट्रोल है कि अगले साल मैं इसको बेच सकता हूं, और जब मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो स्टॉक अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि मेरी असेट है। और टू ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि डब्बे में से वापस निकाल रहा हूं। जब मैंने डब्बे में डाला था तो 5 लाख रुपए डाला था। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैं डब्बे से वापस निकाल रहा हूं, एंड हेंस दिस एंट्री हैज बीन पास्ड। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर मैंने, आप देखिए कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आ रहा है, क्योंकि देखो एंट्री क्या हो रही है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। और ये क्योंकि असेट है, ये क्योंकि असेट है, तो कहीं ना कहीं ये असेट अल्टीमेटली कहां जाएगा? मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। दिस इज द रीजन कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भी लिखते हैं और उसको बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे, मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं, ये कॉमन सवाल आता है कि सर एक बात बताइए, हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड भी क्यों लिखते हैं और हम बैलेंस शीट में क्यों लिखते हैं? हम दो दो जगह क्यों लिखते हैं? सर हम सेल्स को तो दो दो जगह लिखते नहीं है, सर हम परचेज को तो दो दो जगह लिखते नहीं है, सर हम स्टॉक को दो दो जगह क्यों लिखते हैं? तो मेरा सवाल ये, मेरा जवाब ये होता है बेटा कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लिखते नहीं है, बल्कि हटाते हैं, ट्रेडिंग से हटाते हैं, क्योंकि वो हमने गलती से राइट ऑफ कर दिया था, जबकि उसको मुझे राइट ऑफ नहीं करना चाहिए था, उसको मुझे अपनी असेट माननी चाहिए थी, इसीलिए हम उसको हटा के बैलेंस शीट में ले जाते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? मतलब गलती से हमने उसको ट्रेडिंग के डब्बे में डाल दिया, हम उस डब्बे में से वापस निकाल के हम उसको बैलेंस शीट के डब्बे में ले जाते हैं। कुछ आया समझ में कि नहीं? हम उसको बैलेंस शीट के डब्बे में ले जाते हैं। देर आर दो डब्बास, मान लो देर आर टू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डब्बास, वन डब्बा इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड अनदर डब्बा इज आपका बैलेंस शीट। तो मैंने उसको गलती से ट्रेडिंग के डब्बे में डाल दिया, वहां से मैं उसको निकाल के मैं उसको बैलेंस शीट में पहुंचा रहा हूं। आई बात समझ में कि नहीं? सो दिस इज द रियल कंसेप्ट व्हाई वी शो आर क्लोजिंग स्टॉक इन आर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गाइज हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? और मैंने बोला कि भाई ये 80,000 के गुड्स बच गए हैं, मैं इन 80,000 को गुड्स को फ्यूचर में बेचूंगा और फ्यूचर में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो आज के लिए मेरे लिए बन गए असेट, और असेट बन गए तो इसमें से जो मैंने राइट ऑफ किया हुआ था 5 लाख के रूप में डेबिट किया हुआ था, डेबिट में से ये हटा दो ताकि मैं इसको असेट मानूं। इतना बात समझ में आया? बोलिए बच्चों, इतना बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं? और एक बात और रुक जाइए, एक बात और। पता है इससे इंपॉर्टेंस क्या समझ में आई? इससे इंपॉर्टेंस समझ में आई कि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, हमने कहीं ना कहीं मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर दिया। पता है कैसे हमने, कैसे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर दिया? आप ध्यान से देखिए, हमने कहीं ना कहीं 20,000 और हमने 80,000 हटा दिए, तो देखा जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ 4 लाख के गुड्स की ही ट्रेडिंग की है। हमने कहीं ना कहीं 4 लाख के गुड्स की ही ट्रेडिंग की है, क्योंकि 20,000 तो हमने हटा दिए और हमने 80,000 भी कहीं ना कहीं हटा दिया, तो हमने इसका मतलब नेट कितने गुड्स की ट्रेडिंग की है? हमने 4 लाख गुड्स की ट्रेडिंग की है और वो 4 लाख 80,000 में बेचा है, तो भी आप देखो कि आपका 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं लॉस को ना भी लिखूं और अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को ना भी लिखूं और मैं यहां पर डेबिट साइड डायरेक्टली COGS लिख देता हूं, तो भी मेरा जीपी वही रहेगा 80,000 का। इट मींस वी हैव अप्लाइड मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है?
अगर तुम सेल दिखा रहे हो तो उस सेल को कमाने के लिए, वो सेल जनरेट करने के लिए तुमने कितना खर्चा किया वो भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अगर तू गलती से यहां पर 5 लाख रुपए दिखा देता है, अगर तू 5 लाख रुपए दिखा रहा है तो तू बोलेगा मैंने 4,80,000 की सेल करने के लिए 5 लाख का खर्चा किया। हम बोलेंगे गलत है बेटा, तूने 4,80,000 की सेल करने के लिए 5 लाख का खर्चा नहीं किया, तूने सिर्फ 4 लाख का खर्चा किया, बाकी का 1 लाख के गुड्स तेरे पास बचने चाहिए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? उसमें से तू बोलेगा नहीं 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 मैंने 4,80,000 की सेल करने के लिए 4 लाख का खर्चा किया, 20,000 मेरा अलग से नुकसान हुआ, बाकी 80,000 मेरे पास बच गए, तो कहीं ना कहीं मेरा मैचिंग प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? गाइज अंडरस्टूड और नॉट? सो बेसिकली अगर तू क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं भी लिखता है ना, और अगर तू लॉस नहीं भी लिखता है, तो तू यहां पर COGS लिख के अपना काम चला सकता है। अभी तो मेरे को मिटाना पड़ेगा, तू COGS लिख के चला सकता है। और अगर तू यहां पर COGS दिखाता है, दैट रियली मींस कि तू मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल मतलब सेल करने के लिए उस सेल के ऊपर जो खर्चा हुआ तू सिर्फ वही दिखा, सेल के ऊपर जो खर्चा हुआ वही दिखा। क्या तेरी सेल 4,80,000 की हुई? हाँ, पर इस 4,80,000 की सेल को करने के लिए तूने खर्चा कितना किया? 4 लाख का। ये मत बोलना कि 5 लाख का खर्चा किया, पाप पड़ेगा। तूने 5 लाख का खर्चा नहीं किया, तूने 4 लाख का खर्चा किया, बाकी तेरा 1 लाख रुपए का गुड्स बचना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि 1 लाख में से तेरे 20,000 के गुड्स तो गुम हो गए, तो तू उसको भी हटा, तो अल्टीमेटली तेरे पास 80,000 के गुड्स अभी भी बचे हैं ना, तो तेरा खर्चा थोड़ी है। तो इसीलिए मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए मैंने उसको यहां से हटा दिया। कुछ आया समझ में बच्चों? इज दिस क्लियर टू यू? टेल मी गाइस, इज दिस क्लियर टू यू? इज दिस क्लियर टू यू बच्चों? अब मेरा दिमाग खनका, मेरा दिमाग खनका। मैंने बोला ये गुड्स मेरे 80,000 के बचे हैं, ये गुड्स मेरे 80,000 के बचे हैं, ठीक है ना, ये गुड्स मेरे 80,000 के बचे हैं। प्लीज प्लीज कॉन्सेंट्रेट अगेन, ये गुड्स मेरे 80,000 के बचे हैं, मैं इसको फ्यूचर में बेचूंगा, मैं इसको फ्यूचर में बेचूंगा। मुझे क्या लगता है ये गुड्स कितने में बिकेगा? मुझे क्या लगता है ये गुड्स कितने में बिकेगा? मैंने बोला अरे यार ये जो 80,000 के गुड्स है ना, ये थोड़े से ना पेरिशेबल टाइप के गुड्स हैं, अब इनकी ना मार्केट में वैल्यू अगले साल इसको क्योंकि मैं बेचूंगा, मुझे कायदे से इसी साल सेल कर देना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं इसको अगले साल सेल करूंगा ना, इसकी ना सेल वैल्यू गिर गई है अगले साल तक, क्योंकि इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली पेरिशेबल नेचर के गुड्स है मान लीजिए, तो मैं इसको अगले साल मैक्सिमम से मैक्सिमम 75,000 रुपीज रियलाइज कर पाऊंगा। रियलाइजेबल वैल्यू मैं लिख रहा हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैं कह रहा हूं यार गुड्स क्योंकि पेरिशेबल नेचर के हैं, तो ना मैं फ्यूचर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 75,000 ही रियलाइज कर पाऊंगा, फ्यूचर में 75,000 ही रियलाइज कर पाऊंगा। तो मुझे बताइए, जहां मैं यहां पर असेट को रिकॉर्ड कर रहा था, असेट को रिकॉग्नाइज कर रहा था, असेट को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री में कर रहा था स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, पर अब जब मुझे दिख रहा है कि मुझे असेट से, इस असेट से क्या मुझे 80 मिलने वाले हैं कि 75 मिलने वाले हैं, whether I am going to realize 80 or just 75, I am going to realize just 75, that means I have to value the closing stock at 75 only, I have to value the closing stock at 75 only considering prudence concept. So sir, closing stock ko cost aur NRV whichever is lower pe kyun dikhate? Mera answer ye hai ki jab tu closing stock ko asset banata hai na, to us time pe tu apne aap se sawal poochta hai ki kya waqai mein ye 80,000 mere realize ho jayenge ya nahi honge. तो तू अगर ये बोल रहा है, तेरा मन कहता है आराम से ये 80,000 से ऊपर ही बिकेगा, तो तू बोलेगा चल ठीक है मेरा ये असेट 80,000 का है, बाकी जो ऊपर आएगा वो तो अगले साल का प्रॉफिट होगा। पर तू बोलेगा नहीं 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 ये 80,000 में तो नहीं बिकेंगे, इन गुड्स की वैल्यू कम हो गई है, मैक्सिमम से मैक्सिमम दे विल गिव मी 75,000, तो वाई शुड आई क्रिएट द असेट एट 80? असेट मीन्स एनीथिंग ऑन विच यू हैव कंट्रोल एंड यू कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाउ मच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यू आर एक्सपेक्टिंग नाउ? Only 75,000. So you have to create the asset of only 75,000. And this is the reason हम यहाँ पर cost और NRV में, यहाँ पर NRV पे लिखेंगे। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो तेरा यहाँ पर और नुकसान हो गया। अरे भाई साहब, तेरा GP भी बदल जाएगा यहाँ पर। अब वो जो भी आएगा, GP तेरा आएगा, कितना आएगा GP तेरा? वो आएगा 75,000. कुछ आया समझ में कि नहीं? कुछ आया समझ में कि नहीं बट क्लियर हुई बात की नहीं? तो मैंने आपको इस एक एग्जाम्पल के जरिए लॉस का लॉजिक बता दिया,
क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक बता दिया और क्लोजिंग स्टॉक के एनआरवी का लॉजिक बता दिया। तीन बातें मैंने आपको डिस्कस की। मुझे बताइए आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर या फिर आपको एक हद तक समझ में आया कि नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी चीज पहली बार में ही क्रिस्टल क्लियर हो, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, बट आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि आपको ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। ये अलग बात है कि इस लॉजिक को बार बार दोहराना पड़ सकता है आपको अपनी जिंदगी में, तो ही क्रिस्टल क्लियर होगा। Guys, have you understood the concept? इस लॉजिक को आप बार बार अपने, अभी क्लास के बाद आप इसको नॉर्मली जब देखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज देयर एनी ट्विस्ट रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्सपेंस? नो ट्विस्ट एट ऑल। डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने जानबूझ के यहां पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं उसको कैलकुलेशन में फालतू लेना नहीं चाह रहा था। हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंस आप अगर ले भी रहे हो तो आपका बेसिकली आप ऐसा है कि आपने, आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसा है, वो कहां गया पापा वाला एग्जाम्पल, ये रहा। डायरेक्ट एक्सपेंस इज बेसिकली वॉट कि चलो 500 रुपए पापा ने दे दिए प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मम्मी से मैंने 200 रुपए ले लिए तो आपके टोटल गुड्स कितने हो गए, 7 लाख रुपए के गुड्स हो गए। इतना ही कॉन्सेप्ट है बस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कि आपने 500 रुपए पापा से ले लिए और 200 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब 200 रुपए आपने मम्मी से ले लिए, आपने टोटल मिला के 700 रुपए, आपके गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। बट मैं उसको इस पर लाना नहीं चाहता था। बट सर सेल पर प्रॉफिट 80,000 है तो 75,000 क्यों? मैंने बोला ना यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा कि जीपी मतलब क्या, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स। जीपी मतलब प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल्स सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको ओवरऑल ये लिखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला भी था कि मैं यहां लिख लेता हूं पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा। तो जीपी मतलब क्या होता है? जीपी मतलब होता है प्रॉफिट अर्न ऑन सेल्स बट सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट से कम भी हुई है तो आपका जीपी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर अंशिका? सर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। अगर ये 20,000 का आपका नॉर्मल लॉस होता तो आपके पीएनएल में नहीं जाता, आपके पीएनएल में नहीं जाता तो आपका ये प्रॉफिट पूरा का पूरा 80,000 ही दिखता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस आपको पहले से ही पता था कि होने वाला है, तो आप उसको कहीं ना कहीं सेल के फॉर्म में रिकवर कर चुके हो, तो आपका वो लॉस है ही नहीं। देखो ना, ऐसी चीज जिसकी रिकवरी हो जाए तो क्या वो आपकी लॉस है? नहीं। ऐसी चीज जिसकी रिकवरी ना हो तो वो आपका लॉस है? हाँ। तो नॉर्मल लॉस इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो बेसिकली आप लिख सकते हो, लॉस दो टाइप का होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस रिकवर्ड थ्रू सेल्स, हेंस नॉट एक्चुअल लॉस। डू नॉट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, नॉट रिकवर्ड थ्रू सेल्स। सर क्यों नहीं रिकवर किया? अरे भैया एबनॉर्मल है, पता थोड़ी था कि लॉस होगा। अब अगर अब क्या सब चीजें मैं क्या आप कस्टमर से रिकवर करूंगा? क्या कस्टमर बोलेगा कि कान में बीड़ी लगा के बैठे हैं क्या? हर चीज थोड़ी कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। एक हद तक आप एक प्रोडक्ट, जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो तो सारी चीजें थोड़ी रिकवर करोगे। एक डायरेक्टर बैठा है अपनी मीटिंग में और बोल रहा है कि यार वो ना घर पे आज मैंने ना खर्चा हो गया, बच्चे का ना स्कूल में एडमिशन करवाया, उसका पैसा भी मैं अपने क्लाइंट से रिकवर करूंगा। इनडायरेक्टली अपन वो इनडायरेक्ट खर्चा मान सकते, पर क्या वो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट में उसकी प्राइस बढ़ा दोगे? क्या प्रोडक्ट में उसकी प्राइस बढ़ा दोगे कि नहीं, मैं तो सेल में रिकवर करूंगा। तो एबनॉर्मल लॉस ऐसे होते हैं जहां पर आपने प्लान नहीं किया था कि यार अच्छा ये भी लॉस हो गया, आपने प्लान नहीं किया था। अगर शायद आप प्लान करके चलते तो आप सेल में रिकवर कर लेते। नॉट रिकवर्ड थ्रू सेल्स, हेंस लॉस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं?
तो सर नॉर्मल लॉस के केस में आपने जब क्रेडिट किया तो क्या होगा, बेसिकली अगर नॉर्मल लॉस है तो आप उसको परचेज में से ही लेस कर देते हो। नॉर्मल लॉस होता है ना तो आप परचेज में से लेस करते हो, पर अगर एबनॉर्मल लॉस होता है ना तो आप उसको परचेज में से लेस ना करके आप उसको अलग से दिखाते हो। नॉर्मल लॉस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस में बेसिकली आपका होता है परचेज डेबिट टू ट्रेडिंग। आया समझ में कि नहीं? या आप एंट्री मत लिखो, आप एंट्री से फल फालतू उलझ जाओगे। आप कुल मिला के ये समझो कि आप पर नॉर्मल लॉस को परचेज में से लेस कर देते हो, और आप एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको अलग से दिखाते हो, क्योंकि आपको उसको पीएनएल में डालना पड़ता है। क्लियर हुआ गाइस? अंडरस्टूड और नॉट? नॉर्मल लॉस इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस गाइस, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? क्या हम इस क्लास को ओवर कर सकते हैं? आज मुझे और चीजें भी डिस्कस करनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि आज इतना ही डिस्कस हो पाएगा। सो क्या हम क्लास को ओवर कर सकते हैं? दामिनी जय चावला, मैडम हमारी सेंटा जो कैप है ना वो हमने उतार के रख दी क्योंकि हमारे बाल खराब हो रहे थे। दामिनी मैडम इज ऑनलाइन, वेयर इज योर सेंटा कैप सर? बताइए। शैल वी कंक्लूड द क्लास? क्या क्लास को खत्म करें आज? क्लास को खत्म करें बेटा, और पढ़ने का मन हो रहा है। चलिए हम क्लास को आज ही खत्म करते, अभी खत्म करते। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, ठीक है बच्चों? तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पक्का कर लो, ठीक है ना? तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लो, बहुत अच्छा कर लो, स्ट्रांग कर लो। कल की क्लास में मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स समझाऊंगा और शेड्यूल 3 स्टार्ट करूंगा, तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स तो मैं शुरू से डाल रहा हूं, पहले लेक्चर से ही डाल रहा हूं, तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। कल से हम शेड्यूल 3 के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।